ये है दिल्ली दर्पण। उत्तरी पूर्वी जिले के सीलमपुर एसडीएम कोच में बंदरों ने आतंक मचा रखा है और इस बात को ये तस्वीरें बखूबी बयां कर रही हैं। इन तस्वीरों में देखिए किस तरह से लोग यहाँ डंडा लिए बंदरों को भगाने के लिए खड़े हैं, लेकिन बंदर यहाँ ना सिर्फ लोगों का सामान लेकर भाग जाते हैं बल्कि लोगों को काट कर घायल भी कर देते हैं, जिनसे लोगों का यहाँ उठना बैठना मुश्किल हो गया है। लोग बंदरों के खौफ से इस कदर परेशान हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो बंदरों का सामना आखिर करे कैसे, लिहाजा मजबूरन होकर उन्हें बंदरों को भगाने के लिए डंडा उठाना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि पिछले एक साल से यहाँ स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, कई बार शिकायतें भी की जा चुकी हैं, लेकिन निगम प्रशासन इन बंदरों को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर कुछ समय से काफी बंदरों की तादाद बढ़ती जा रही है और ये लोग ये बंदर जो है आदमखोर हो चुके हैं, कभी भी किसी पे भी आक्रमण कर देते हैं और बुरी तरह से काट देते हैं। इनके दांत बहुत नकुले हैं और वैसे भी प्रजाति बढ़ाने पे लगे हुए हैं, कोई भी शासन प्रशासन नहीं सुनता है और बंदर अपने पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बंदर के काटने से किस तरह व्यक्ति घायल हो चुका है और ये हालात सिर्फ एक दिन के नहीं है बल्कि लोगों को रोज इस तरह की घटनाओं का सामना करना पड़ता है। ये बंदर सामान तो सामान इंसान तक को नहीं बख्श रहे हैं। यह बंदर है और बंदर आ गया काटते हैं और बंदरों के बच्चे भी हैं, वो बंदरों के बच्चे भी काटते हैं और इनसे बहुत दिक्कत हो रही है, किसियों से चिपट जाते हैं। पहले यहाँ कभी बंदर नहीं हुआ करते थे, आज की तादाद में तो यहाँ बंदर बहुत है ना, तो हम लोग काम करने देते हैं और जो बाहर के पार्टियां आती है या हम लोग यहाँ बैठते हैं उन पे भी हमला करते हैं। ये सामान सीट पे रखा होता है उसको लेके चले जाते हैं और तो और मेरा वाला लड़का क्या, सॉरी छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, तो पहले बच्चे आते हैं बंदरों के बच्चे, फिर वो बड़े वाले बंदर जो ना कूद करके काटते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे जिनको घायल किया बंदरों ने। लोगों को और प्रशासन को पूरी जानकारी है कि किस हद तक यहाँ बंदरों ने आतंक मचा रखा है, लेकिन बावजूद इसके हालात जैसे के तैसे बने हुए हैं। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए राकेश चावला की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, Facebook पेज को लाइक करें या लॉग ऑन करें www.dellidarpantv.com। दिल्ली दर्पण टीवी पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर